Hyundai. इसका IPO 15th October 2024 से शुरू होकर 17 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। IPO प्राइस है 1865 से लेके 1960 पर शेयर। आप मिनिमम 7 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हो, जो ट्रांसलेट करता है इनटू मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट ऑफ 13,720 रुपीस। IPO की लिस्टिंग BSE एंड NSE दोनों एक्सचेंजेस पे होगी, विद द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेब्यू टू बी एट 22nd October 2024। चलिए इस IPO को एनालाइज करते हैं, समझते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, कोई USPs है तो ये भी, एंड एज एन इन्वेस्टर आपका इसमें कैसे फायदा हो सकता है। Hyundai Motor इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर है इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आफ्टर मारुति सुजुकी। इस कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उस सेगमेंट से जहां पे लोग अबाउट 10 लैक्स वाली आज के रेट में कार्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, विच इज द प्रीमियम स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल और SUV सेगमेंट। बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट जहां पे बहुत अच्छी डिमांड देखी जा रही है, इससे भी इस कंपनी को फायदा हो सकता है। हाउएवर एक चीज ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी को आज के रेट में इंटेंस कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, एंड Hyundai मोटर्स भी इससे बचा हुआ नहीं है, तो इनको भी इससे काफी फर्क पड़ता है और हमेशा पड़ता रहेगा। Hyundai मोटर इंडिया ये एक की सब्सिडरी है ऑफ द पैरेंट कंपनी जिसका नाम है Hyundai मोटर कंपनी, एंड ये कंपनी बेस्ड है आउट ऑफ साउथ कोरिया। Hyundai मोटर इंडिया ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 18% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द पैरेंट कंपनी। Hyundai मोटर इंडिया को 3.5% की एनुअल रॉयल्टी सेल्स पे करनी होती है टू द पैरेंट कंपनी इन साउथ कोरिया। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है फ्रॉम 8.2 लाख यूनिट्स टू 10.7 लाख यूनिट्स विद इट्स अपकमिंग प्लांट इन तालेगांव महाराष्ट्र। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो Hyundai मोटर इंडिया ये 93% ऑफ द टोटल पार्ट जो इनको रिक्वायरमेंट होती है कार मेकिंग में, ये ज्यादातर लोकली ही इसको सोर्स आउट करते हैं, एंड जो काफी नजदीक भी है इन चेन्नई। Hyundai मोटर इंडिया प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी का यूज करती है जिसमें कि ये हायर वैल्यू वाले व्हीकल्स को ज्यादा सेल्स करती है। इस कंपनी ने 49% रेवेन्यू कमाई है उन कार से जिनकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, एंड 20% से ज्यादा रेवेन्यू कमाई है उस सेगमेंट में जिनकी वैल्यू 15 लाख से ऊपर है इन FY 2024। अब ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आज की जनरेशन को SUV ज्यादा पसंद है और वो इन कार्स के लिए ज्यादा ऑप्ट करते हैं। SUV का सेल इतना बढ़िया है कि इनका जो शेयर है इन द कंपनी रेवेन्यू दिस हैज शॉट अप टू 67% इन 2024 From 52% in 2022। Hyundai मोटर इंडिया के IPO की वीकनेसेस की बात करें तो यहाँ कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक जो बन के आती है, दैट इज दिस कि रिसीडिंग मार्केट शेयर की वजह से यहाँ पे इतना टफ एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन है कि इस सेगमेंट में हर आए दिन कुछ ना कुछ नया आते रहता है। आप देखें तो कार्स में भी इतनी सारी चीजें बदलती रहती है जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। FY20 एंड Q1 FY25 को अगर कंपेयर करें तो Hyundai PV का मार्केट शेयर, मतलब कि Hyundai का जो पर्सनल व्हीकल स्पेस में जो मार्केट शेयर है वो 18% से गिर के 15% हुआ है। उसी सेम वक्त में टाटा मोटर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो उनका मार्केट शेयर 5% से 13% हुआ, एंड किया मोटर्स जो अगेन एक Hyundai ग्रुप कंपनी है इसका भी मार्केट शेयर बढ़ा है फ्रॉम 6% टू 12% इन द सेम टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ रॉयल्टी एग्रीमेंट। Hyundai इंडिया को अपनी पेरेंट कंपनी जो साउथ कोरिया में है उसको रॉयल्टी फीस देनी होती है हर साल, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, एंड ये जो रॉयल्टी फीस है जो अभी 3.5% है, Hyundai की पेरेंट कंपनी इसको अप टू 5% तक इंक्रीज कर सकती है विदाउट एनी फ्रेश शेयर होल्डर्स अप्रूवल। इसके चलते अगर FY24 की रेवेन्यू को देखा जाए और अगर यहां से जो रॉयल्टी वो 1% भी इंक्रीज हो जाती है तो Hyundai मोटर इंडिया को 700 करोड़ रुपए का फटका लग सकता है। तो अगर ऐसी कोई रॉयल्टी फीस बढ़ी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे वो असर होगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए इस IPO को क्विकली अप्लाई भी करते हैं। IPO अप्लाई करने के लिए आई ऑलवेज यूज द धन ऐप। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है एंड कोई AMC भी नहीं लगती, चाहे आप इसमें IPOs अप्लाई करो ना करो, कोई पोर्टफोलियो हो ना हो, ट्रेड करो ना करो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डेफिनेटली चेक इट आउट। नाउ यूजिंग द धन ऐप आप क्या कर सकते हो कि आप मनी वाले सेक्शन में आ जाए एंड यहाँ पे आपको आगे आना है जहाँ पे IPO नजर आएगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस, दैट्स इट, एंड यू विल लैंड अप हियर जहाँ यू बी एबल टू सी कि Hyundai का IPO आ चुका है। तो अगर आप ये वीडियो एक्चुअल डेट्स के पहले देख रहे हो तो आपको प्री अप्लाई नजर आएगा, मतलब कि अगर आप 15 तारीख के पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो यू विल बी एबल टू सी प्री अप्लाई, नहीं तो यहाँ पे ये अप्लाई नाउ हो जाएगा जैसे ये है। तो इन बोथ द केसेस यू कैन अप्लाई फॉर दिस IPO, सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस IPO। इसका DRHP इसे आप जरूर से रेफर करना, एंड यू कैन सी अदर डेट्स ऑल्सो। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स टेंटेटिवली 22 अक्टूबर 2024 को होना है, यहाँ पे टैप कर दे प्री अप्लाई फॉर IPO या अप्लाई फॉर IPO आएगा तो इस पे टैप करके आगे बढ़े। प्राइस बैंड 1865 से 1960 है एंड अमाउंट पेबल 13,720। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, आपके बिड को आप एड कर सकते हो तो शेयर्स साथ एक लॉट में आएंगे, तो अगर आपको ये लॉट्स बढ़ाना है तो आपके शेयर्स बढ़ते जाएंगे,
चलिए यहाँ पे एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं एंड प्लीज बिड फॉर आईपीओ पे टैप कर दो। यहाँ पे आपको यूपीआई को सिलेक्ट करना है फॉर आईपीओ बिडिंग। यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी इनपुट करें एंड प्लीज बिड फॉर आईपीओ पे टैप करें। आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, आपने जो यूपीआई आईडी इनपुट करा है अब उस यूपीआई के ऐप में जाए एंड वहां पे उसे अप्रूव कर दे मैंडेट को। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।